नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से असन न्यूज पर। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा के 403 ही विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में। क्या केंद्र सरकार तीनों कृषि कानून वापस लेने के बाद फिर से सरकार में वापसी कर पाएगी योगी आदित्यनाथ, या फिर समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव यहाँ पर बाजी मारकर निकल जाएंगे? तो दोस्तों, यहां पर तमाम जानकारी अपडेट के लिए इस वीडियो को आप अंत तक देखिए, जिससे आपको पता चल जाएगा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में किस पार्टी की मजबूती से सरकार बनेगी। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं। सबसे पहले निकल के आ रहा है आपकी स्क्रीन पर पहला ओपिनियन पोल, प्रयागराज की 12 विधानसभा सीटें हैं। 12 में से बीजेपी खाते में 6 सीटें, तो समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 5 सीटें, तो बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में 1 सीट, कांग्रेस और अदर पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। शाहजहांपुर की 6 विधानसभा सीटें हैं, 6 में से 4 पर बीजेपी, तो एसपी खाते में 2 सीट, बीएसपी कांग्रेस और अदर पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। गोंडा की 7 विधानसभा सीटें, 7 में से 4 पर बीजेपी, तो समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 2 सीट, बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में 1 सीट, तो कांग्रेस और अदर पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। सीतापुर की 9 विधानसभा सीटें हैं, 9 में से 5 पर बीजेपी, तो एसपी खाते में 3 सीट, बीएसपी खाते में 1 सीट, कांग्रेस पार्टी और अदर पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। अमेठी की 4 विधानसभा सीटें हैं, 4 में से 2 पर बीजेपी, तो एसपी खाते में 0, बीएसपी खाते में 1, तो कांग्रेस पार्टी को 1 सीट। देवरिया की 7 विधानसभा सीटें हैं, 7 में से 4 पर बीजेपी, तो 2 पर एसपी, 1 पर बीएसपी, कांग्रेस और अदर पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। शाहजहांपुर की 6 विधानसभा सीटें हैं, 6 में से 3 पर बीजेपी, तो 2 पर एसपी, बीएसपी खाते में 1, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0, अदर पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं बिजनौर की 8 विधानसभा सीटें, 8 में से 3 पर बीजेपी, तो 3 पर ही एसपी, बीएसपी खाते में 1, तो कांग्रेस पार्टी को भी यहाँ पर 1 सीट मिल सकती है। महाराजगंज की 5 विधानसभा सीटें हैं, 5 में से 3 पर बीजेपी, तो एसपी खाते में 0, बीएसपी खाते में 0, कांग्रेस और अदर पार्टी को यहाँ पर 1-1 सीट पर जीत हासिल हो सकती है। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं बलिया की 7 विधानसभा सीटें हैं, 7 में से 3 पर बीजेपी, तो 3 पर एसपी, बीएसपी खाते में 1 सीट। बांदा की 4 विधानसभा सीटें हैं, 4 में से 3 पर बीजेपी, तो 1 पर बीएसपी, कांग्रेस पार्टी और एसपी यानी समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। रायबरेली की 6 विधानसभा सीटें हैं, 6 में से 3 पर बीजेपी, तो 1 पर एसपी, बीएसपी खाते में 1 सीट, तो कांग्रेस पार्टी को भी यहाँ पर 1 सीट जीतने का मौका मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रतापगढ़ की 7 विधानसभा सीटें हैं, 7 में से 3 पर बीजेपी, तो 2 पर एसपी, 1 पर बीएसपी, कांग्रेस पार्टी और अदर पार्टी को यहाँ पर 1 सीट मिल सकती है, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। बरेली की 9 विधानसभा सीटें हैं, 9 में से 6 पर 5 पर बीजेपी, तो एसपी खाते में 3, बीएसपी खाते में 1 सीट, कांग्रेस पार्टी और अदर पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। भदोही की 3 विधानसभा सीटें हैं, 3 में से 2 पर बीजेपी, तो 1 पर एसपी, बीएसपी, कांग्रेस और अदर पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। बलरामपुर की 4 विधानसभा सीटें हैं, 4 में से 3 पर बीजेपी, तो 1 पर बीएसपी, कांग्रेस और एसपी के खाते में 0-0 सीट और अदर पार्टी को भी यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं चित्रकूट की 2 विधानसभा सीटें हैं, 2 में से दोनों ही सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, एसपी, बीएसपी, कांग्रेस और अदर पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। जी हाँ दोस्तों, आजमगढ़ की 10 विधानसभा सीटें हैं, 10 में से बीजेपी खाते में 2, तो एसपी खाते में 7, बीएसपी खाते में 1 सीट, कांग्रेस और अदर पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। जौनपुर की 9 विधानसभा सीटें हैं, 9 में से 4 पर बीजेपी, तो एसपी खाते में 4, बीएसपी खाते में 1 सीट यानी कि एसपी और बीजेपी खाते में 4-4 सीटें और कांग्रेस और अदर पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। कुशीनगर की 7 विधानसभा सीटें हैं, 7 में से 3 पर बीजेपी, तो 2 पर एसपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी और अदर पार्टी को भी 1 सीट मिल सकती है। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के अगले जिलों की, तो यहाँ पर निकल के आ रहा है उन्नाव। उन्नाव की 6 विधानसभा सीटें, 6 में से 4 पर बीजेपी, तो 2 पर एसपी, बीएसपी, कांग्रेस और अदर पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। चंदौली की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से 2 पर बीजेपी, तो 1 पर एसपी, 1 पर बीएसपी। फिरोजाबाद की 5 विधानसभा सीटें हैं, 5 में से 2 पर बीजेपी, तो 3 पर एसपी, बीएसपी, कांग्रेस और अदर पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। अंबेडकर नगर की 5 विधानसभा सीटें हैं, 5 में से 1 पर बीजेपी, तो 3 पर एसपी, बीएसपी खाते में 1 सीट। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के अगले जिलों के बारे में, तो यहाँ पर निकल के आ रहा है कानपुर नगर। कानपुर नगर की 10 विधानसभा सीटें हैं, 10 में से 6 पर बीजेपी, तो 3 पर एसपी, बीएसपी खाते में 0, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 1 सीट। झांसी की 4 विधानसभा सीटें हैं, 4 में से 3 पर बीजेपी, तो 1 पर एसपी, बीएसपी, कांग्रेस और अदर
दूसरे पार्टियों के यहाँ पर 0-0 सीट है। कौशाम्बी की 3 विधानसभा सीट है, 3 में से 2 पर बीजेपी तो 1 पर बीएसपी, एसपी और कांग्रेस को यहाँ पर 0-0 सीट है। बाराबंकी की 6 विधानसभा सीट है, 6 में से 4 पर बीजेपी तो 2 पर एसपी, बीएसपी खाता में 0, कांग्रेस पार्टी खाता में 0 और अदर पार्टियों को भी यहाँ पर 0-0 सीट है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के अगले जिले यानी संत कबीर नगर की 3 विधानसभा सीटें हैं, 3 में से 2 पर बीजेपी तो एसपी खाता में 0, बीएसपी खाते में 1 सीट है। संभल की 4 विधानसभा सीट है, 4 में से 1 पर बीजेपी, 1 पर यानी कि 3 पर एसपी, यहाँ पर संभल में 1 बीजेपी तो 3 एसपी खाते में। अमरोहा की 4 विधानसभा सीट है, 4 में से 2 पर बीजेपी तो 2 पर एसपी, बाकी सभी पार्टियों यहाँ पर 0-0 सीट है। लखीमपुर की 8 विधानसभा सीटें, 8 में से 3 पर बीजेपी तो 4 पर एसपी, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 1 सीट मिल सकती है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के अगले जिले यानी वाराणसी की। जी हाँ दोस्तों, नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र की, तो यहाँ पर 8 विधानसभा सीटें, 8 में से 6 पर बीजेपी तो 2 पर एसपी, बीएसपी कांग्रेस और अदर पार्टियों को यहाँ पर 0-0 सीट है। फर्रुखाबाद की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से 2 पर बीजेपी तो 2 पर एसपी, सोनभद्र की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से 2 सीटें बीजेपी को, 2 सीटें एसपी को, बीएसपी कांग्रेस और अदर पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट है। सोनभद्र में यहाँ पर बीजेपी 2 पर, एसपी 2 पर है। कन्नौज की 3 विधानसभा सीटें, 3 में से 1 पर बीजेपी तो 2 पर एसपी, बीएसपी कांग्रेस और अदर पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के अगले जिले की, यहाँ पर निकल के आ रहा है हरदोई। हरदोई की 8 विधानसभा सीटें, 8 में से 4 पर बीजेपी तो 3 पर एसपी, 1 पर बीएसपी कांग्रेस और अदर पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट है। अलीगढ़ की 7 विधानसभा सीटें, 7 में से 4 पर बीजेपी तो 3, 2 पर एसपी, 1 पर बीएसपी। कानपुर देहात की 4 विधानसभा सीटें हैं, 4 में से 3 पर बीजेपी तो 1 पर एसपी, बीएसपी कांग्रेस और अदर पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट है। बागपत की 3 विधानसभा सीटें हैं, 3 में से 1 पर बीजेपी तो 2 पर एसपी। मोकी 4 विधानसभा सीटें हैं, 4 में से 1 पर बीजेपी तो 2 पर एसपी, बीएसपी का तो 1 सीट है। सिद्धार्थनगर की 5 विधानसभा सीटें हैं, 5 में से 3 पर बीजेपी तो 1 पर एसपी, 1 पर बीएसपी। मुरादाबाद की 6 विधानसभा सीटें हैं, 6 में से 1 पर बीजेपी तो 5 पर एसपी, बीएसपी कांग्रेस और अदर पार्टियों के यहाँ पर 0-0 सीट। अयोध्या की 5 विधानसभा सीटें हैं, 5 में से 4 पर बीजेपी तो 1 पर एसपी को यहाँ पर जीत हासिल हो सकती है। तो दोस्तों बात करें तो उत्तर प्रदेश के अगले जिले यानी मिर्जापुर की 5 विधानसभा सीटें हैं, 5 में से 3 पर बीजेपी तो 2 पर एसपी, बीएसपी का तमें 0, कांग्रेस पार्टी को भी यहाँ पर 0 और अदर पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। मुजफ्फरनगर की 6 विधानसभा सीटें, 6 में से बीजेपी का तमें 3 तो एसपी का तमें 3 सीटें, यानी दोनों ही पार्टी यहाँ पर बराबर बराबर टक्कर के साथ लीड मार रही हैं। गौतम बुद्ध नगर की 3 विधानसभा सीटें, 3 में से 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी। मैनपुर की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से 1 पर बीजेपी तो 3 पर एसपी, बीएसपी कांग्रेस और अदर पार्टियों के यहाँ पर 0-0 सीट। ललितपुर की 2 विधानसभा सीटें, दोनों ही विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी। तो दोस्तों बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के एसपी बीएसपी कांग्रेस और अदर पार्टियों के यहाँ पर 0-0 सीट। सुल्तानपुर की 5 विधानसभा सीटें हैं, 5 में से 3 पर बीजेपी तो एसपी खाते में 1, तो बीएसपी खाते में 1 सीट है। और ये की 3 विधानसभा सीटें हैं, और यहाँ पर 3 में से 1 पर बीजेपी तो 2 पर एसपी, बीएसपी कांग्रेस और अदर पार्टियों के यहाँ पर 0-0 सीट है। हमीरपुर की 2 विधानसभा सीटें हैं, 2 में से 1 पर बीजेपी तो 1 पर एसपी। श्रावस्ती की 2 विधानसभा सीटें हैं, 2 में से 2 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, एसपी बीएसपी कांग्रेस और अदर पार्टियों के यहाँ पर 0-0 सीट है। लखनऊ की, जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की 9 विधानसभा सीटें हैं, 9 में से बीजेपी खाते में 5 तो एसपी खाते में 4 सीटें हैं। तो यहाँ पर बीजेपी को 1 सीट से आगे दिखाई जा रहा है, तो यहाँ पर एसपी को यहाँ पर मात्र 4 सीटें। गोरखपुर की, जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के गृह नगर गोरखपुर की 9 विधानसभा सीटें हैं, 9 में से 7 पर बीजेपी तो 2 पर एसपी, बीएसपी कांग्रेस और अदर पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। बस्ती की 5 विधानसभा सीटें, 5 में से 4 पर बीजेपी तो 0 पर एसपी, बीएसपी का तमें 1 सीट और अदर पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के अगले जिले के, तो यहाँ पर निकल के आ रहा है अगला जिला मेरठ। मेरठ की 7 विधानसभा सीटें, 7 में से 4 पर बीजेपी तो 2 पर एसपी, बीएसपी का तमें 1 सीट है। फतेहपुर की 6 विधानसभा सीटें, 6 में से बीजेपी का तमें 2, एसपी का तमें 2 सीट है, कांग्रेस को यहाँ पर 1 सीट मिल सकती है। बहराइच की 7 विधानसभा सीटें, 7 में से 4 पर बीजेपी तो 3 पर एसपी। गाजियाबाद की 5 विधानसभा सीटें, 5 में से 4 पर बीजेपी तो 1 पर बीएसपी। तो दोस्तों बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के अगले जिलों के बारे में, तो यहाँ पर निकल के आ रहा है मथुरा। मथुरा की 5 विधानसभा सीटें, 5 में से 3 पर बीजेपी तो 2 पर एसपी। श्रावस्ती की 3 विधानसभा सीटें, 3 में से 1 पर बीजेपी तो 2 पर एसपी। गाजीपुर की 7 विधानसभा सीटें, 7 में से 2 पर बीजेपी तो 3 पर एसपी, बीएसपी का तो 1 सीट। बुलंदशहर की 7 विधानसभा सीटें, 7 में से 4 पर बीजेपी तो 1 पर एसपी, 1 पर बीएसपी। तो दोस्तों बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के अगले जिला
जालौन की 3 विधानसभा सीटें, 3 में से 2 पर बीजेपी तो 1 पर एसपी, बीएसपी, कांग्रेस और अदर पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट है। महोबा की 2 विधानसभा सीटें, 2 में से 1 पर बीजेपी तो 1 पर समाजवादी पार्टी, तो वहीं बीएसपी, कांग्रेस और अदर पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट है। हाथरस की 3 विधानसभा सीटें, 3 में से 1 पर बीजेपी तो 2 सीट ऊपर है। एसपी, बीएसपी, कांग्रेस और अदर पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। हापोड़ की 3 विधानसभा सीटें हैं, 3 में से 2 पर बीजेपी तो 1 पर एसपी, बीएसपी, कांग्रेस और अदर पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। दोस्तों बात कर लेते हैं रामपुर की, 5 विधानसभा सीटें हैं, 5 में से 1 पर बीजेपी तो 4 पर एसपी, बीएसपी, कांग्रेस और अदर पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। काशी रामनगर की 3 विधानसभा सीटें, 3 में से 2 पर बीजेपी तो 1 पर एसपी। आगरा की 9 विधानसभा सीटें हैं, 9 में से 5 पर बीजेपी तो 2 पर एसपी, बीएसपी खाते में 2 सीट। पीलीभीत की 4 विधानसभा सीटें हैं, 4 में से 3 पर बीजेपी तो 1 पर एसपी, बीएसपी, कांग्रेस और अदर पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। तो दोस्तों बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के अगले जिले यानी एटा की 4 विधानसभा सीटें हैं, 4 में से 2 पर बीजेपी तो 2 पर एसपी, बीएसपी, कांग्रेस और अदर पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। इटावा की 3 विधानसभा सीटें, 3 में से 2 पर बीजेपी तो 1 पर एसपी, यानी 2 पर एसपी तो 1 पर बीजेपी। तो दोस्तों बात कर लेते हैं सहारनपुर की 7 विधानसभा सीटें हैं, 7 में से 2 पर बीजेपी तो 2 पर एसपी, बीएसपी का तो 1 सीट तो कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 1 सीट 2 सीट मिल सकती है, अदर पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 213 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर 25 जीत के साथ फिर से सरकार में वापसी कर सकती है। एसपी खाते में 143 सीटें, बीएसपी खाते में 13, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 10 और अदर पार्टी को यहाँ पर 4 सीटें जीतने का मौका मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश में आने वाले विधानसभा चुनाव में किस पार्टी की बनेगी सरकार? क्या बीजेपी वापसी कर पाएगी या फिर एसपी यानी समाजवादी पार्टी 2022 के चुनाव में जीत का आंकड़ा पार कर पाएगी? बीएसपी खाते में 33 तो कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 10 और अदर पार्टी को यहाँ पर 4 सीटें जीतने का मौका मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू दोस्तों, जय श्री राम है।